कोई भी नागरिक यदि एटीएम में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। एटीएम के सामने साइबर अपराधी बतौर बैंक प्रतिनिधि या व्यापारी बताकर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपराधी नागरिकों को भीड़ नहीं करने का झांसा देकर एटीएम के सामने कतार लगाने के बजाय उनके पास रकम जमा कराने को कह सकते हैं। नागरिकों को रकम ऑनलाइन उनके बैंक खाते में जमा करने का आश्वासन देते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार साइबर और आर्थिक अपराध का स्वरूप बदलता जा रहा है। ये अपराधी एटीएम के सामने खड़े होकर नागरिकों को नोट ठीक नहीं है, गंदा या नोट पर कुछ लिखा होने का बहाना बनाकर आपको उलझाने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह की वारदात बेलतरोड़ी थाने के तहत मनीष नगर के एटीएम पर 7 जून को हुई है। इसे देखते हुए साइबर पुलिस ने नागरिकों से अनजान व्यक्ति को अपनी रकम नहीं देने का आह्वान करी है। जी भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये हमारे लिए भी एक नया मोड़ था। जब हमको पता चला, हमारे किसी परिचित ने हमको फोन करके बताया कि सर आज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो मुझे किसी ने रोका और मुझे पूछा कि क्या आपके पास मोबाइल है और उसके ऊपर ऑनलाइन आप मुझे पैसा भेज सकते हो। तो उन्होंने बोला कि व्हाई यू आर एंटरिंग ऑल दी मार्सेंस। उसने बोला कि मेरे पास हार्ड कैश है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मुझे आपके मोबाइल से उसको ऑनलाइन पे कीजिए। अब वो आदमी चूँकि बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और हमारे परिचित थे, तो बहुत सारी बातें जो वेबिनार सामने इसके पहले लिए शायद उन्होंने देखे थे। ही वॉज अवेयर अबाउट वॉट कैन बी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दी साइबर क्रिमिनल्स। तो उसने उन्होंने उनको बिल्कुल कोई एंटरटेन नहीं किया और बाद में वो लड़का चला गया। तो ये आपके माध्यम से जनता को मेरा रिक्वेस्ट है कि टोटली नया फंडा है कि आपके पास कोई आता है सुबह मॉर्निंग वॉक को या शाम को या दोपहर को या कभी भी, और बड़ी दया के सहानुभूति आपकी लेने के हिसाब से आपको बोलता है कि ये मेरे पास हार्ड कैश है, आप मुझे ऑनलाइन आपके मोबाइल से ट्रांसफ़र कीजिए। अब इसमें हो सकता है कि उनकी कोई ऐसे टैक्टिक्स हो जिसमें कि वो आपसे आपके मोबाइल से कुछ ऑनलाइन बैंकिंग जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन अगर उनके सिस्टम में चला गया तो अगेन यू बिकम वल्नरेबल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो प्लीज़ आपको अगर कोई ऐसा मिलता है तो आप इमीडिएटली पुलिस को 100 नंबर पर इन्फॉर्म कीजिए। हमारे सीपी आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, एडिशनल सीपी क्राइम मिस्टर सुनील फुलारी सर, हमारे डीसीपी विवेक मासा सर, इन्होंने अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में चार्लीज यानी बीट मार्शल जो थे उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करके रखा है और पूरे शहर में अगर 100 नंबर पर कोई कॉल आता है तो इमीडिएटली विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम वी आर ट्राइंग टू अटेंड कॉल। पूरे शहर में जितने भी GPS फिटेड व्हीकल्स है अगर कॉल आता है तो वो कॉल कहाँ पे है उसका लोकेशन हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है। उस लोकेशन का जो नियरेस्ट पॉसिबल GPS फिटेड व्हीकल होता है वो भी हमको स्क्रीन पे दिखता है। तो उस बीट मार्शल को या चार्ली को या पुलिस को हमारा कंट्रोल रूम इमीडिएटली डायरेक्ट करके उस व्यक्ति के पास भेजने की कोशिश करेंगे और उसको हम ताबा में लेके उसको इंक्वायर करके जो भी लीगल एक्शन वो करेंगे। तो प्लीज़ आप ऐसे किसी टैक्टिक को खुद मत फंसिए, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। किसी के भी हार्ड कैश लेके अपने मोबाइल से उसको इमीडिएटली पैसे भेजने की कोशिश ना कीजिए ताकि आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बच पाए। थैंक यू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।